नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपके लिए लेकर आया हूँ युग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार फिर से वाइगोत्स्की का सामाजिक रचना का सिद्धांत, जिसमें हम बात करेंगे आज कि वाइगोत्स्की ने समाज का शिक्षा के विषय में क्या योगदान बताया है और किस प्रकार से बालक सीखता है, इसके विषय में भी वाइगोत्स्की ने बताया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ZPD की, और इसके साथ साथ और भी हम बात करेंगे ज़्यादा ज्ञानी दूसरा जिसे सहायता के लिए रखा जाता है, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के की पॉइंट क्या रहे हैं, तो देखते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक रचना का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की कहता है कि लर्निंग की जो भी प्रोसेस होगी उसमें हमारी संस्कृति का, हमारे सामाजिक वातावरण का और दूसरों के साथ संपर्क का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरों के साथ संपर्क का बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है किसने, वाइगोत्स्की ने। आगे हम बात करते हैं कि बच्चे के विषय में उसने क्या कहा है, तो उसने कहा है कि प्रत्येक बच्चा सामाजिक संपर्क का एक अभिन्न अंग है, यानी बच्चा समाज से जुड़ा हुआ है और वह सामाजिक संपर्क करके ही सीखेगा, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। इसके बाद दूसरी बात कही है कि बच्चे की सहज अवधारणाओं को वैज्ञानिक में बदलने की प्रक्रिया को तेज व सुगम किया जाता है इस सिद्धांत द्वारा। जो उसने ज़्यादा ज्ञानी दूसरा की बात कही है, वह व्यक्ति बच्चे की सहज धारणाओं को वैज्ञानिक धारणाओं में बदलने में सहायता प्रदान करता है, इसकी बात कही है आपके वाइगोत्स्की ने। तीसरी बात क्या कही है, व्यक्तिगत रूप से ज़रूरत होने पर ही मदद दी जानी चाहिए, यानी बच्चे को जिस भी अवस्था में मदद की ज़रूरत है आप वहाँ पर मदद प्रदान करेंगे, तो जिससे बच्चा अपने अगले कौशल को सीख पाएगा अच्छे से और इसके साथ साथ वह आगे आने वाले कौशलों को अचीव भी कर पाएगा। तो आगे हम और पॉइंट देखते हैं क्या बताया है कि बालक या व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास जो भी होगा वह समाज द्वारा प्रभावित होता है। समाज सिखाता है बच्चे को कि आखिरकार हमें किस चीज़ को करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, यह सब का सब हमें सिखाता है समाज। आगे बात करते हैं कि सामाजिक परिवेश की भूमिका बच्चे के स्तर अनुसार होती है। आप देखते हो कि बड़ों के लिए नियम कायदे अलग होते हैं और बच्चों के लिए नियम कायदे अलग होते हैं, यानी जिस भी स्तर का बालक होगा या जिस भी स्तर का व्यक्ति होगा उसी स्तर पर समाज उस पर अपनी प्रक्रियाएं, अपने नियम को अध्यारोपित करता है और जिसके बाद उस नियमों के अनुसार, उन नियमों के अनुसार और उन अध्यारोपण के अनुसार व्यक्ति अपने आप को ढालना स्टार्ट कर देता है और कुछ नई चीज़ें समाज से लेना भी स्टार्ट कर देता है, इस विषय में वाइगोत्स्की ने बताया था। इसके आगे क्या बताया कि प्रत्येक बच्चे की मानसिक संरचना का संशोधन भिन्न भिन्न होता है, यानी प्रत्येक बच्चा समाज से अलग अलग तरीके से सीखता है। चाहे आप मान सकते हो कि कोई बच्चा ए है वह बी से सीखने में कम हो सकता है, देर से सीख सकता है और समाज से हो सकता है कि इसका इंटरेक्शन कम हो जाए, और जब इंटरेक्शन कम होता है तब भी बच्चा समाज से देरी से सीख पाएगा, इसलिए सभी का स्तर भिन्न भिन्न होगा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अगला क्या कहता है कि यह परिवर्तन बच्चे में अंतःक्रिया में सक्रिय रहने के दौरान होता है, यानी अंतःक्रिया इंटरेक्शन विद सोसाइटी और सोसाइटी के साथ जब इंटरेक्शन करता है बच्चा तभी उसमें यह परिवर्तन आता है। कौन सा, मानसिक संरचना में परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के की पॉइंट रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत से की पॉइंट हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा, मेन कॉन्सेप्ट रहा कि मानव के सीखने का अर्थ एक विशिष्ट सामाजिक प्रकृति व प्रक्रिया है, यानी मानव जब सीख रहा है तो वह एक विशिष्ट सामाजिक प्रकृति है और एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या कि जिसके माध्यम से बालक आसपास के लोगों के बौद्धिक जीवन में प्रवेश करता है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि आसपास के लोगों के बौद्धिक जीवन में, मतलब समाज में जो उससे ऊपर स्तर वाले लोग हैं, ऊपर स्तर ज्ञान है जिनका, उस पर उनके बौद्धिक जीवन में प्रवेश करता है बालक, यानी उनके बराबर नॉलेज रखने का प्रयास करता है, उनके नॉलेज के बराबर नॉलेज अचीव करने का प्रयास करता है, इसकी बात कही है। आगे बात करते हैं कि अंतःक्रिया के विषय में क्या कहा है, तो इन्होंने बताया कि यह जो भी सिद्धांत है
यह अंतःक्रिया के दौरान स्टार्ट होता है। जब आप अंतःक्रिया करने लगता है बालक, तब यह सिद्धांत भी कार्य करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात क्या कही कि सबसे पहले बच्चा जो है वह अन्य व्यक्ति की सहायता से कार्य को समाप्त करता है। सबसे पहले अन्य व्यक्ति की सहायता से कार्य को सीखेगा और उसे समाप्त करेगा, यानी टीचर ने उसे बताया यानी अन्य व्यक्ति ने उसे सहायता की, इसके बाद वह उस कार्य को सीखेगा और सीखने के बाद वह उसमें मास्टरी लाने के लिए, मतलब उसमें मास्टर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए वह उसी कार्य को अकेले में करने में सक्षम होता है। और उसी काम को पहले अकेले करता है और उसके बाद उस काम को करने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार की बात कही है वाइगोत्स्की ने। आगे बात करते हैं कि जब भी बालक सीखता है बेसिकली, तो आप प्रारंभ में देखते हो, अगर बच्चा छोटा है प्रारंभ में, तो उसके माता पिता ही उसे बता देते हैं, माता पिता उसे निर्देशित करते हैं और निर्देशित करते समय वह बताते हैं कि कोई काम कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। यह सभी चीज़ें बताते हैं आपके माता पिता, और इसके बाद यह इनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, बच्चों के निर्णयों को यह प्रभावित करते हैं। और आप देखते हो कि यह जो भी निर्णय का प्रभाव होता है यह भाषा द्वारा होता है, प्रारंभ में भाषा द्वारा होता है, यानी भाषा के आधार पर वह उसे प्रभावित करते रहते हैं मम्मी पापा। और आगे चल के आप देखते हो यही सांस्कृतिक विरासत का पहला चरण होता है। सांस्कृतिक विरासत यानी समाज से जो भी आप सीखते हो उसका पहला चरण होता है यह, मम्मी पापा से सीखना, यस, इसका पहला चरण होगा। और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत मूल्यों में ढालता है। देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि क्या रहा। देखिए भाई, हम धीरे धीरे करके समझते चलेंगे। क्या बताया आगे उन्होंने बताया कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि भाई समाज द्वारा संपर्क से जिसे आप कहोगे सामाजिक अंतःक्रिया, इससे बालक ज्ञान को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है। और जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है बालक, उसके बाद वह उसमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों को जोड़ता है, व्यक्तिगत मूल्य जोड़ देता है, मतलब मुझे यह चीज़ें करनी चाहिए, मुझे यह चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद वह इसको आत्मसात करता है यानी सीख लेता है कि मुझे कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार समाज से प्रोसेस लेके, समाज द्वारा पहले सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, इसके बाद वह ज्ञान को प्राप्त करेगा कि इस चीज़ को करना चाहिए, और करने के बाद वह उसमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों को जोड़ेगा। और व्यक्तिगत मूल्य अगर उसके कहते हैं कि यह कार्य गलत है तो वह उसको नहीं करेगा, और यदि सही कार्य होगा तो उसको करना सीख लेगा, और इसी को आप आत्मसात करना कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस करता है। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि कुछ चरण होते हैं कि बालक हूबहू नकल नहीं करता कि टीचर ने बोला कि बेटा ये लिखना है और ये होता है तो बालक हूबहू उसकी नकल कर लेगा। आप देखते हो कि आपका बनाया हुआ, मतलब शिक्षक का बनाया हुआ एक चित्र भी बालक हूबहू नहीं बना पाता, बल्कि वह उसे अपने ढंग से करता है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि बालक हूबहू नकल नहीं करेगा, वह बल्कि कुछ परिवर्तन करते हुए सीखता है, यानी व्यवहार में कुछ परिवर्तन करेगा, इसके बाद ही वह उसे सीखेगा। जो चीज़ बताई गई है उसमें वह परिवर्तन करेगा, उसके बाद ही उस चीज़ को सीखेगा। तो यह बात भी वाइगोत्स्की ने कही है। अब देखते हैं कि हमने इतने सारे सिद्धांत के विषय में बात कर ली है, लेकिन हमें जिसके विषय में बात करनी है उस पॉइंट के विषय में हमने अभी तक बात नहीं करी है। तो दो पॉइंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि रहेंगे आपके
वाइगोत्स्की के सिद्धांत की दृष्टि से, उसमें पहला आपका रहेगा ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। इस चीज को आप सबसे पहले समझेंगे कि बालक के कुछ कौशल होंगे, आप देख रहे होंगे कि बालक अभी सीखने की स्टेप में है और सीखने के स्टेप के दौरान उसका वास्तविक स्तर क्या है, इस समय वह किस स्तर पर है, तो वह वास्तविक स्तर और इसके साथ ही जब आप ज्यादा ज्ञानी दूसरा कोई उससे ज्ञानी व्यक्ति, लर्नर से भी ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति जब उसको थोड़ा सा हेल्प करेगा तो वह जिस स्तर पर पहुंच पाएगा, यानी कोई स्तर होगा जो कौशल का अगला स्तर, कौशल का अगला स्तर जिसको वह सीख रहा है उसका अगला स्तर जो होगा, उसके बीच का जो गैप होगा, बीच का जो गैप, उसे आप कहते हो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हो उसे, आप उसी को ZPD के नाम से जानते हो। यानी वास्तविक स्तर और सहायता के बाद जिस स्तर पर पहुंचेगा उसके बीच के क्षेत्र को आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हो। और देखो यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, बेसिकली यह होता है आपका कौशलों की एक श्रृंखला होती है, कौशलों की एक श्रृंखला, एक श्रृंखला होगी और इस श्रृंखला के करीब पहुंचने वाला होता है बालक, इस श्रृंखला के करीब पहुंच जाएगा बालक। जब आप उसको सहायता करोगे तो वह इन श्रृंखला के जो कौशल होंगे उनको सीखने के करीब पहुंच जाएगा, इसलिए इनको जो भी कौशल होते हैं उनको समीपस्थ कौशल कहते हैं, समीपस्थ कौशल कहते हैं। और इन्हीं कौशलों के बीच के क्षेत्र को जब आप देख रहे हैं कि अभी वास्तविक स्तर पर है, अभी वह सीखने के प्रयास में है और उसकी हेल्प करी, हेल्प करी किसी ने, तो वह पहुंच गया अगले स्टेप पर, कौशल के अगले स्तर पर पहुंच गया। और इसी को हम, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे आप ZPD कहने लगोगे, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और कौशलों की यह श्रृंखला जिसे वह सीखने वाला है उसे हम समीपस्थ श्रृंखला का नाम देंगे, समीपस्थ श्रृंखला का नाम देंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बेसिकली वास्तविक स्तर और जो स्तर वह सीखने वाला है किसी व्यक्ति की सहायता से, उसके बीच के जो गैप को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब आगे बात करेंगे कि पाड़ क्या है, स्कैप फोल्डिंग जिसे आप कहते हो, उसके विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्कैप फोल्डिंग के विषय में तो देखिए भाई, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं इसको, इसी को हम पाड़ कह देते हैं, पाड़, इसी को हम मचान कह देते हैं, मचान, पाड़ या मचान। स्कैप फोल्डिंग शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। स्कैप फोल्डिंग है क्या, मचान है क्या? मचान एक निर्देशों का समूह होता है बेसिकली बेटा, निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह। सबसे पहले आप ध्यान देना कि यह एक निर्देशों का समूह होगा, इसके साथ साथ यह एक हेल्प होगी, हेल्प या सहायता, हेल्प या सहायता, निर्देशों का समूह और हेल्प या सहायता कुछ भी हो सकती है। देखो बेटा कैसे होगी, निर्देशों का समूह कैसे होगा और इसके साथ साथ हेल्प या सहायता कैसे होगी, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उदाहरण के तौर पर देखो। एक बच्चा है जो कि प्री स्कूलिंग बच्चा है, प्री स्कूल बच्चा जिसे आप 5 साल की उम्र के बीच का कह सकते हो, और वह का लिखना नहीं जानता है, का, इतना सा का बनाना नहीं जानता है, तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक निर्देशों का एक समूह तैयार करेगा। और कैसे तैयार करेगा इसके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे कि जब भी शिक्षक सिखाता है तो कहता है पुलिस का डंडा, पुलिस का डंडा, गोल गोल अंडा,
बिल्ली की पूंछ या कुत्ते की पूंछ जो भी कहता है, तो कुछ इस प्रकार से वह निर्देश देता है कि आपको बनाना कैसे है। और यही है आपका स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ यानी मचान, कुछ ऐसी सहायताएं। अब जैसे का बनाना हमें सिखाना है, तो सबसे पहले हमें सिखाना होगा उसे एक लाइन खींचना, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या है, दूसरी लाइन खींचना, स्टेप नंबर टू, यह दूसरी लाइन हो गई। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या रहेगा कि इस लाइन पर एक गोला बना देना, यह आपका तीसरा स्टेप हो गया। और इसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप होगा ये बनाया, ये ऊपर से लाइन खींची और इसके बाद पूंछ तैयार कर देना, और इस प्रकार से का बना लिया बच्चे ने, का को बनाना सीख गया, है ना। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि बच्चे को एक एक करके निर्देशों का मॉडल दे देना, यानी निर्देशों का समूह कह सकते हो, निर्देशों का मॉडल कह सकते हो, और इस मॉडल को बच्चे को सौंप देना, और उस मॉडल के अनुसार बच्चा धीरे धीरे एक एक स्टेप को फॉलो करता हुआ लास्ट में अपने उस कौशल को सीख लेगा, यानी का को बनाना सीख जाएगा, और इसके बाद फिर अगले कौशल में लग जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो दो चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि अध्यापक को समय समय पर, समय समय पर जो स्कैप फोल्डिंग दिया जा रहा है, स्कैप फोल्डिंग की समीक्षा करते रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर देने की आवश्यकता है या नहीं, या इसका लेवल कुछ अप किया जाए या डाउन किया जाए, या फिर यहाँ पर ना देखे कहाँ पर देने की आवश्यकता है स्कैप फोल्डिंग की। तो यह शिक्षक द्वारा समय समय पर देखा जाना चाहिए कि हमें बच्चे को स्कैप फोल्डिंग देनी कहाँ पर है। हो सकता है कि आप उसे जहाँ पर ज़रूरत ना हो रही हो वहाँ पर स्कैप फोल्डिंग दे रहे हो, तो उसके विकास में कुछ ना कुछ परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा। भाई आप उसे उसकी ज़रूरत के अनुसार अगर स्कैप फोल्डिंग नहीं दोगे तो कैसे परिवर्तन हो पाएगा। अगर उसे आप उसकी ज़रूरत के अनुसार दोगे तो परिवर्तन होगा, तो बच्चा सीखेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और टर्म आता है, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा का। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा कौन होगा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, इस विषय में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, इसे आप कहते हो मोर नॉलेजिबल अदर, इस नाम से पुकारते हैं आप ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा व्यक्ति कौन सा होगा, वह व्यक्ति हो सकता है ज्यादा ज्ञानी दूसरा जो लर्नर से ज्यादा ज्ञानी हो, लर्नर से ज्यादा ज्ञान हो उसके पास, या फिर ज्यादा कौशल हो उसके पास, ज्यादा कौशल हो, या फिर ज्यादा अनुभव हो उसके पास, ज्यादा अनुभव हो, या फिर ज्यादा तरीके हो उसके पास, ज्यादा तरीके हों, वही व्यक्ति हो सकता है ज्यादा ज्ञानी दूसरा। और ज्यादा ज्ञानी दूसरा जेड पीडी के समय बीच में सहायता करेगा, और सहायता करने के बाद जब बच्चे की सहायता करेगा तो बच्चा आगे स्टेप पर पहुंचेगा। और एक चीज आपको मैं बताना भूल गया हूं कि जब भी जेड पीडी होता है, जेड पीडी आपका एक जगह स्थिर नहीं रहता बेटा, जेड पीडी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि जेड पी डी स्थिर ना रहकर जेड पी डी गतिशील है, गतिशील है बेटा, गतिशील है। जब बच्चा एक कौशल में पारंगत हो जाएगा तो जेड पी डी दूसरे कौशल की ओर खिसक जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब बालक एक कौशल में पारंगत हो जाएगा पूरी तरीके से सीख जाएगा, तो उस समय जो भी जेड पी डी होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वह दूसरे कौशल की ओर अग्रसर हो जाएगा। यानी अब उसका पूरा का पूरा ध्यान बालक का दूसरे कौशल को सीखने में लग जाएगा, और फिर उसे वहां सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब फिर वहां पर जेड पी डी का क्षेत्र बनेगा, और जेड पी डी के क्षेत्र में फिर आप अगर सहायता करते हैं, यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा फिर से सहायता कर देता है, तो वह उस कौशल को भी सीख जाएगा। फिर इसके बाद फिर वह तीसरे कौशल की ओर मूव करेगा। जेड पी डी तीसरे कौशल की ओर मूव करने लगेगा,
इस प्रकार से ZPD गतिशील रहता है और बालक सीखता रहता है। इन चीज़ों पर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल और देते हैं कि कोई बालक अपना नाम लिखना नहीं सीख पाता है, नाम लिखना नहीं सीख पाता है। देखिए एग्जांपल के तौर पर और देखते हैं, नाम लिखना नहीं सीख पाता, वह अक्षरों का क्रम नहीं लगा पाता है। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है रोहन, रोहन, तो आप इसको कैसे सिखा सकते हो? यहाँ पर देखिए कैसे आप इसमें ज़्यादा ज्ञानी जो दूसरा है, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, वह कैसे उनकी हेल्प कर सकता है, कैसे हेल्प करेगा, कैसे अंतःक्रिया के बाद हेल्प करने का प्रयास करेगा। तो देखते हैं, रोहन नाम है उसका, तो सबसे पहले आप रैट माने चूहा होता है, आर से रैट बना दो, एक आर से रैट बना दो, आपने यहाँ पर रैट बना दिया। इसके बाद ओ से ऑरेंज बना दिया, ओ से ऑरेंज बना दिया, एच से हेन बना दिया, हेन बना दिया, ए से एप्पल बना दिया, ए से एप्पल बना दिया, एन से नेस्ट माने घोंसला होता है, आपने नेस्ट माने घोंसला बना दिया। उसको बार बार ये चीज़ें दिखाते रहे कि आर से रैट, ओ से ऑरेंज, एस से हेन, ए से एप्पल, एन से नेस्ट, और इन्हीं को केवल दिखाया, बाकी को नहीं दिखाएंगे आप, बाकी लेटर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसे आप सिखा रहे हैं नाम लिखना, और नाम लिखना जब आप सिखा रहे हो तो केवल इन्हीं लेटर्स को आपको दिखाना पड़ेगा। एक चीज़ ये समझ में आ गई, पहला स्टेप हो गया आपका, पहला स्टेप आपने सिखा दिया उसे, आपने पहचान करवाई किसकी, लेटर्स की पहचान करवा दी आपने, जो भी लेटर्स हैं उनकी आपने पहचान करवा दी। अब उसका दूसरा स्टेप क्या होगा, उन्हें अरेंज करना। तो अरेंज कैसे करोगी, रैट के बाद इसी प्रकार से आप उन्हें अरेंज करने स्टार्ट कर दोगे। पहले आप रैट बना दो, उसके जस्ट बगल में ऑरेंज बना दिया, उसके जस्ट बगल में हेन बना दिया, उसके जस्ट बगल में एप्पल बना दिया, और उसके जस्ट बगल में नेस्ट बना दिया। तो कुछ इस प्रकार से उसने ध्यान लगाया, बच्चे ने ध्यान लगाया कि यहाँ पर आर था, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर एच था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर एन था। तो बच्चा क्योंकि पहले ही देखो रैट से सामंजस्य स्थापित कर चुका है कि R फॉर रैट, O फॉर ऑरेंज, H फॉर हेन, A फॉर एप्पल और N फॉर नेस्ट, इनसे सामंजस्य स्थापित हो गया बेटा उसका। अब उसको हमें केवल अरेंज करना सिखाना है। तो अरेंज करने में सबसे पहले आप इन्हें अरेंज करो, जो भी उसके प्रतीकात्मक चिन्ह है उन्हें अरेंज करो, और जब आप उन्हें अरेंज कर दोगे तो वह अरेंज करना भी सीख जाएगा, और धीरे धीरे करके वह इस रैट के स्थान पर, जहाँ पर आपने रैट क्रम में रखा है वहाँ पर आर लिखना लगेगा, जहाँ पर ऑरेंज रखा है वहाँ पर ओ लिखने लगेगा, जहाँ पर आपने हेन रखा है वहाँ पर एच लिखने लगेगा, जहाँ पर उसने एप्पल, आपने एप्पल रखा है वहाँ पर ए लिखने लगेगा, और जहाँ पर नेस्ट रखा है वहाँ पर एन लिखने लगेगा, और ऐसे करके बालक अपना नाम लिखना सीख जाएगा। और यही होता है आपका स्कैप फोल्डिंग, पाड़ बनाना, मचान है, यही मचान है आपका बेटा, कि आपने निर्देश दिए हैं उसे कि कैसे कैसे करके आप अपने ज्ञान को अरेंज करोगे। और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल, दो एग्जांपल अभी कंप्लीट कर चुके हैं हम, तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि आप देखते हो कि बच्चे को आप सिखाते हो आर बनाना, आर कैसे बनाते हो, तो आप जब भी देखते हो आप ऐसे करके डॉटेड लाइन रखते हो, ऐसे करके डॉटेड लाइन रखते हो, आप उसकी कॉपी में ऐसे करके डॉटेड लाइन बना देते हो, फिर दूसरी डॉटेड लाइन ऐसे करके बनाते हो, आप कई डॉटेड लाइन ऐसे करके बनाते हो जो बिल्कुल सेफ होगा आर का, इस प्रकार का। फिर आप कहते क्या हो बालक से कि होमवर्क में बेटा, होमवर्क में आपको करके लाना है, क्या कि आपको इनके ऊपर लाइन खिंचा के लाना है, लाइन खिंचा के लाना है। आप इसी प्रकार गिनती भी दे देते हो, आप इसी प्रकार वर्णमालाएं भी दे देते हो, हिंदी की भी वर्णमाला दे सकते हो, अंग्रेजी की भी वर्णमाला दे सकते हो। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जाता है इनको मिलाता है लाइन, ऐसे करके मिलाना स्टार्ट करता है, ये मिला रहा है बालक, ऐसे करके मिलाता है, और इसके बाद रोज इसी तरह की प्रोसेस करना स्टार्ट करता है, रोज करता है बालक, घर में जाकर रोज मिलाता है इन बिंदुओं को, और ऐसे करके धीरे धीरे बालक आर बनाना सीख जाता है कि हमें ऐसे करके आर बना देना है। बालक सीख लेता है कि हमें सीधा लाइन खींचनी है, ऐसे घुमाना है, और ऐसे करके आर बना देना है। तो आपने सिखाया क्या, यह भी जो भी आप पॉइंट बना रहे हो, यह पॉइंट बनाना भी एक प्रकार का स्कैप फोल्डिंग है, स्कैप फोल्डिंग।
यानी आपने उसे निर्देश दिए हैं, आपने उसे निर्देश प्रदान किए हैं, पॉइंट द्वारा निर्देश प्रदान किए हैं कि आर को कैसे बनाना है। तो इस प्रकार आपने पूरे के पूरे वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सीख लिया है और इससे रिलेटेड अब सभी प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। युग इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी छात्रों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलते रहेंगे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में, और यूपी टेट सीटेट ले लो आप, और इसके साथ साथ एसटेट केवीएस जो भी एग्जाम है शिक्षा से जुड़े हुए उन सभी की तैयारियां करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका आप सभी का धन्यवाद। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप इसको लाइक करते चलिए और शेयर ज़रूर करते चलिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फल कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। इसलिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।